बिहार सरकार ने अपने बूते जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी है। दरवाजे दरवाजे जाकर 12.7 करोड़ जनसंख्या और 2.58 करोड़ घरों का सर्वे किया जाना है। सर्वे का पूरा काम 31 मई तक पूरा करने का समय तय किया गया है। जातिगत सर्वेक्षण 38 जिलों में शुरू किया गया है। बिहार के तमाम जिलों में 534 ब्लॉक्स और 261 शहरी स्थानीय निकाय है। पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा। इसमें घरों की संख्या की गणना हो रही है। इसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बात अगर भागलपुर की करें तो जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सबौर प्रखंड इलाके से इसकी शुरुआत की। इसमें 7,035 प्रगणक और 25 चार्ज अधिकारी शामिल हैं। गणना कार्यों में शिक्षकों, पीआरएस और कई सरकारी कर्मियों को लगाया गया है। प्रथम चरण के गणना में मकान का नंबरीकरण हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में उसी मकान में रहने वाले 26 तरह के सवाल का लिस्ट तैयार किया गया है। पोर्टल और ऐप पर मुखिया का नाम दर्ज होगा। भागलपुर जिले में करीब 1,00,000 मकानों की गिनती और नंबरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर के डीएम ने बताया कि इस तरह के सर्वेक्षण रिपोर्ट से समाज में संतुलित विकास को बल मिलेगा। अच्छी बात है कि भारत में इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। मकान नंबरीकरण का कार्य चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रगणक है वो घर घर में जा करके सारी सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और जो मकान का नंबरीकरण है जैसे भवन संख्या, मकान संख्या, ये लिखा जा रहा है। और हम लोगों ने 6 प्रगणकों के ऊपर एक पर्यवेक्षक दिया है, मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जैसे यहाँ के चार्ज ऑफिसर प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे जिले के वरीय पदाधिकारी आज फील्ड में हैं और इस काम को बहुत तरीके से और जैसा विभाग का गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करते हुए इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और पूरे राज्य में आज इसकी शुरुआत हुई है और इससे जो आंकड़े आएंगे उसका बहुत बेहतर उपयोग विभिन्न नीतियों के निर्धारण में, नई पॉलिसीज बनाने में होगा और एक सही आंकड़ा जो है वो हम लोगों को मिल पाएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग पूरे जिले में संभाल रहे हैं। सभी प्रखंडों से रिपोर्ट कब तक? वो अभी ये चल रहा है, जैसे मकान सूचीकरण का काम आज से शुरू हुआ है, ये आगे कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग डेली रिपोर्ट भी जो है वो कलेक्ट करेंगे। प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सब लोग इसको देख रहे हैं और डेली का प्रोग्रेस जो है वो हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे और ये काम जब जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद डाटा एंट्री करके आप लोगों को डिटेल में बता देंगे। जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर में पहले दिन ही कुव्यवस्था का आलम रहा। भागलपुर के नगर निगम कार्यालय में प्रगणक को जनगणना के लिए तमाम सामग्री दी जानी थी, लेकिन वहां जिस तरह की अफरा तफरी देखी गई वह जिला प्रशासन की तैयारी की पोल खोलने जैसा दिखा। प्रगणक अनिल और विनय जैसे कई सरकारी कर्मी मिले जो बता रहे हैं जितनी बातें ट्रेनिंग के दौरान बताई गई वह भी आधी अधूरी थी और अब जनगणना संबंधी सामग्री लेकर इलाके में जाना है तो वहां भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जनगणना शुरू होनी है लेकिन अभी तक सभी प्रगणक को मटेरियल जो है नहीं मिला है और सुपरवाइजर को भी एरिया का क्षेत्र नहीं मिला है, तो उस कारण जो है प्रगणक को भी एरिया का ब्लॉक नहीं मिला है कि कौन ब्लॉक में कैसे यानी कि काम करना है, किस घर से स्टार्ट करना है, वो मेरा ब्लॉक है कि नहीं है। प्रशिक्षण जो दिया गया तो उसमें जो है सारी बातों का जिक्र नहीं किया गया, आधा अधूरा दिया गया जो कि जिला स्कूल में हुआ। और अभी जो है देखिए कुव्यवस्था ऐसी है कि आदमी पर आदमी बजड़ रहा है। भीतर जाइएगा तो तिल रखने का जगह नहीं है। अब बहुत लोग बाहर हैं, हाँ बाहर हैं। आज से जब जनगणना शुरू होना था तो लेकिन आज जो है मटेरियल तक भी जो है मुहैया नहीं कराया जा रहा है। वो बाहर में घूम रहा है, अब ये लोग भीतर में, मेरा नाम आया हम बाहर में, हम भीतर जा ही नहीं पा रहे हैं, मेरा एप्लीकेशन को साइड में कर दिया। आज से गणना शुरू होना था तब तो आज से कहाँ से गणना शुरू होगा? आज से गणना शुरू हो ही नहीं सकता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऑफिस कार्यालय ही व्यवस्थित नहीं है तो काम कहाँ से होगा। भागलपुर में हुए युवा महोत्सव में चयनित बच्चे मुजफ्फरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर भाग लेने के लिए 62 कलाकारों का दल आज भागलपुर समाहरणालय से बस के द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुआ। राज्य स्तर पर 7 और 8 तारीख को कार्यक्रम होना है जिसमें राज्य भर के बच्चे शामिल होंगे। वहीं इसमें प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को केरल में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान नृत्य, गायन, तबला वादन सहित 14 विधाओं में बच्चे भाग लेंगे। ये राज्य स्तरीय युवा उत्सव की जो आयोजन हो रही है मुजफ्फरपुर जिला में हो रही है और 8 और 9 तारीख को जो बच्चे इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे
भिन्न भिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं जो हमारे जिला स्तर पे हुई थी उसी को राज्य स्तर पे भेजा जा रहा है। जो यहाँ प्रथम प्रतिभागी हुए थे, प्रथम पुरस्कार लिए थे, उनको राज्य स्तर पे भेजी जा रही है। और राज्य स्तर में जो भी प्रथम पुरस्कार लेंगे उनको फिर जो है कर्नाटक राष्ट्रीय महोत्सव में उनको भेजा जाएगा। और ये हमारे 62 बच्चे टोटल लड़का और लड़कियों मिला करके है, और टोटल 14 इवेंट को लेकर के हमारी बस भागलपुर से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो रही है। किस किस विधा को लेकर जा रही है? इसमें नाटक है, लोक गाथा है, समूह लोक नृत्य है, समूह लोक गीत है, एकल लोक गीत है, सितार वादन है, तबला वादन है, हारमोनियम वादन है, नाटक है, चित्रकला है, हस्तशिल्प, फोटोग्राफी और मूर्तिकला, इतनी सारी विधाएं को लेकर के सुगम संगीत है, वाद्य वादन की प्रतियोगिताएं भी होनी है। ये तमाम विधाओं को लेकर के हमारे कलाकार राज्य स्तर पर जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय अटल है और मैं पहले जिला स्तर पे ही कोऑर्डिनेटर था, लेकिन इस बार हमें राज्य स्तर के कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। 14 वर्ष से कम के बच्चों को कहीं होटलों में तो कहीं प्रतिष्ठानों में काम कराया जाता है, जिससे उनका बचपन छीन जाता है। ना तो वो पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही बचपन में चहुमुखी विकास के लिए कुछ सोच पाते हैं। इसी विषय को लेकर कवायद शुरू की गई है। बाल श्रमिक आयोग ने आज इसी बाबत सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें आयोग के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु ने की। इस बैठक में बाल श्रम से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु ने बताया कि इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान, दुकान, ईंट भट्टा, होटल, डॉक्टर, नेता एवं पदाधिकारियों के अलावा अन्य जगहों पर कोई बच्चा काम करता है तो उसे विमुक्त कराकर अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाएगा। साथ ही ऐसे बच्चों की पहचान करना है जिसका कोरोना काल में उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य की मृत्यु हो गई है, उनके लिए इंदिरा आवास और राशन की व्यवस्था करना है। वहीं लोगों में जागरूकता को लेकर शहर के सभी प्रखंड मुख्यालय, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और वैसे सभी भीड़भाड़ वाले जगहों पर इसके प्रचार प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। आज हम लोग का भागलपुर जिला परिषद में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का आज बैठक का यह हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग को समाज के अंतिम व्यक्ति जो कहीं भी प्रतिष्ठान, दुकान, ईंट भट्टा या किसी नेता, डॉक्टर, पदाधिकारी के यहाँ अगर कोई काम करते हैं उसको विमुक्त करना है और उसको पढ़ाई की ओर, विद्यालय की ओर उसको ले जाना है। इसके लिए हम लोग ने अब जो है आज हम लोगों ने इसके लिए बैठक किया है कि सभी बच्चे को विद्यालय हम लोग को ले जाना है और वैसे बच्चे को भी चिन्हित करना है जो कोरोना काल में जिसका किसी एक परिवार का निधन हो गया और गरीब परिवार से है, उनके लिए हम लोग इंदिरा आवास और राशन की व्यवस्था और कैसे वो विद्यालय जाएँ, इसके लिए कैसे उसकी अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए भी हम लोग जो है इसके लिए कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों सभी को कहा, सभी प्रखंड मुख्यालय में, बाजार में, जहाँ भीड़ का जगह स्टेशन हो, सभी जगह हम लोग स्टेशन में लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, हम लोग पोस्टर लगा करके सब जगह हम लोग उसमें निर्देश दिए हैं कि सभी जगह टेलीफोन, सभी हमारा सर्व परिवर्तन पदाधिकारी अपना मोबाइल नंबर प्रखंड वाइज उसमें देंगे, जिसको कोई भी सूचना दे तो तुरंत उसको रिसीव करके उसको हम लोग कार्रवाई करें। और इसके लिए जागरूकता अभियान भी कराएंगे, नुक्कड़ नाटक भी हम लोग चलाएंगे कि बाल श्रम कराना बिल्कुल कानूनन अपराध है, संज्ञेय अपराध है। अगर कोई भी अगर बाल श्रम करवाते हैं उन पर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। बिहार में आज ग्रामीण महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौकी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अब खेत खलियानों से जुड़ती नजर आ रही हैं। घर की चार दीवारी में रहने के बजाय घरों की दहलीज को लांग कर और समाज के बंधनों को तोड़ते हुए आज महिला किसान न केवल खेती करती हैं, बल्कि घर के तमाम फैसले भी अब खुद ही लेती हैं। आज दूसरी महिलाएं भी हमारी सफल महिला किसानों से प्रेरित होकर तरक्की की राह पर चल पड़ी है।
आजकल के कई युवा हमारी इन महिला किसानों से प्रेरणा ले रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर की संगीता देवी देश भर में किसान दीदी के नाम से जानी जाती हैं। बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर की रहने वाली किसान दीदी ने खेती में अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। धान की फसल हो या सब्जी की फसल, इन फसल को खुद खेत में हल चलाकर लगाती है, फिर उसे खुद काटकर बाजार तक पहुंचाती है। गांव के किसान आज इनसे टिकाऊ खेती की ट्रेनिंग लेने भी आते हैं। संगीता देवी का मानना है कि सरकार को महिला किसानों के हित में भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सक्षम होंगी तो खेत खलियान के साथ साथ परिवार में खुशहाली आएगी। संगीता देवी ने 15 महिलाओं की एक टीम बनाकर जगदीशपुर में रहने वाली महिलाओं को खेती करने के लिए जागरूक किया। अब 400 से अधिक महिलाएं इस खेती से जुड़ गई हैं। हल अपने से चलाए, अपने से लगाए, क्या लगाए हैं अभी खेत में? मसूर है? मसूर, वो आलू भी है ना? अच्छा, आलू अपने से लगाए, मसूर अपने से लगाए, और खेत को भी साफ कर रहे हैं। हाँ। फिर कहाँ बेचते हैं आपको? हाँ, बहुत हिम्मत आई है और जागरूकता भी हुई है बहुत महिला, और कि हम खेती करेंगे, मेरे पास दो पैसा हो जाता है, अपने मन से जो भी मन होता है लेते हैं, करते हैं, रखते भी हैं। जैसे पढ़ाई हुआ, घर का खर्च हुआ, ये सब हम अपने मन से कर लेते हैं, घर के तमाम फैसले खुद लेते हैं। अच्छा, खुद लेती हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है खेती करके आपको? हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। तो जो पुरुष हैं वो हल चलाते थे, अब आप हल चला रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है वो? नहीं, ये तो अपना मतलब कि हल चलाने में क्या, अपना खुद काम करते हैं तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। और उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लाचारी में घर में ही दुबक के रह जाती है? हाँ, जैसे कि उसके कल पैसा नहीं रहता था, आज वो काम करती है तो उसके पास आज पैसा है। जैसे बच्चे तबीयत खराब हो गया तो अब उसको पैसा है तो जाके अपना इलाज सही ढंग से कर लेती है, खान पान हरी सब्जी सब बच्चे सबको मिल जाता है। अभी भी गांव की बहुत ऐसी महिलाएं जो घर में रहती है, जमीन है उसके पास, खेती करने की खेती नहीं करती है, तो उसको क्या कहेंगे आप? हाँ, उसको जाके हम लोग सब महिला मिलके उसको बुलाते हैं मीटिंग में, और उसको समझाते हैं कि आप भी खेती कीजिए इतना, और आप भी जैसे हरी सब्जी उगाइएगा तो रोज 4-5 सब्जी जैसे खाना है वो सब खाइएगा। भागलपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा नाथनगर के सुभाष चौक से मदनी नगर चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया गया। नाथनगर प्रखंड सांकी के पदाधिकारी कंचन कुमार के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत सुभाष चौक से होकर गोलदारपट्टी रेलवे स्टेशन, बाबा मनस्कामना नाथ चौक, नाथनगर थाना चौक होते हुए मदनी नगर चौक तक हुआ। इस दौरान सड़क किनारे दोनों ओर सजी अस्थायी दुकानों को हटाया गया और दुकानदारों को यह चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी अतिक्रमण मुक्त किए जाने का अभियान जारी रहने की बात कही गई। इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माने की भी राशि वसूली गई।